ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर बख्त अजीज़ है और मेरा ताल्लुक शोबा नाक कान गले से है। आई वर्क एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन अलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज जिन्ना हॉस्पिटल लाहौर। मेरी ग्रेजुएशन 2000 की है इन द ईयर 2000 एंड देन आई डिड माई फेलोशिप जो ऑटो राइनो लेरेंगोलॉजी FCPS कहलाता है। मैंने किंग एडवर्ड से अपनी सारी पोस्ट ग्रेजुएशनशिप और आई स्टेड इन किंग एडवर्ड फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स। प्रेजेंटली आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन जिन्ना हॉस्पिटल। नाक कान और गले की जो भी बीमारियाँ हों उनकी तशखीस के लिए आई सेट एंड माई प्राइवेट क्लिनिक। आई डू माई प्राइवेट क्लिनिक इन नेशनल हॉस्पिटल डिफेंस इन द इवनिंग एंड इन डिफेंस मेडिकल ग्रुप दैट इज लोकेटेड इन डिफेंस फेस 4 एज वेल। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। इन सर्दियों के मौसम में हमारे सारे आउटडोर्स अमूमन उन मरीजों से भरे हुए हैं, दोस्त जो नज़ला ज़ुकाम कैरी करके आ रहे हैं। एंड इन स्टेट ऑफ दिस पैंडमिक करोना की वबा की सूरत में दे गेट वारेड कि कहीं उन्हें करोना तो नहीं है। तो नेज़ल एलर्जीज़, नज़ला ज़ुकाम इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम करोना। और अमूमन सर्दियाँ क्योंकि मौसम ठंडा हो जाता है, इट्स ह्यूमिड आउट देयर, एज़ द एयर गेट्स डेंसर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जैसे नज़ला ज़ुकाम गला ख़राब है इनकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। अमूमन हर नज़ला ज़ुकाम इज़ नॉट करोना, लेकिन वी हैव टू मेक श्योर कि नज़ले ज़ुकाम इज़ अ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जो आप एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में बहुत कम्फर्टेबली स्प्रेड आउट कर सकते हैं। सो वो लोग जिन्हें हल्का सा फ्लू है, रनिंग नोज़ है, छींकें आ रही हैं, दे हैव टू आइसोलेट देम सेल्फ और दे हैव टू एटलीस्ट कवर देयर फेस विद अ हैंड और अ हैंडकरचीफ सो दैट वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन बाकी मरीजों तक ना जाए। नज़ला ज़ुकाम एक बहुत पर्सिस्टेंट बीमारी है सर्दियों की। अमूमन हर छोटे बड़े फ़र्द में ये बीमारी काफ़ी परटेन कर रही है। इसका भी इलाज थ्रू नेज़ल ड्रॉप्स एंड नेसेलाइन डोचिंग है, जिसका मतलब होता है नाक की सफाई और नेज़ल स्प्रेस के ज़रिए आप ये एलर्जीज़ को काफ़ी हद तक कम कर देते हैं। अनदर एंटिटी जो नॉर्मली हम आउटडोर्स में सर्दियों में बहुत ज़्यादा देखते हैं, ख़ास तौर पर बच्चों में, दैट इज़ रिकरेंट गला ख़राब होना या टॉन्सिलाइटिस है। टॉन्सिलाइटिस का मतलब ये नहीं है कि टॉन्सिल्स निकाल दिए जाएं। टॉन्सिलाइटिस तब होता है जब या तो रेशा गले में गिर रहा हो या टॉन्सिल्स दे देमसेल्फ आर अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। हर टॉन्सिलाइटिस हैज़ टू बी ट्रीटेड। अगर आप गले ख़राब को लेके यू कीप ऑन मूविंग इट लॉन्ग फॉर अ ईयर, एक साल उसे लेके फिरते रहेंगे और उसका इलाज नहीं कराएंगे, तो फिर टॉन्सिल्स इस सूरत हाल में पहुंच जाते हैं जिसमें देयर इज़ नो अदर वे आउट देन टू टेक आउट द टॉन्सिल्स, क्योंकि उस कंडीशन में पेशेंट का ना सिर्फ गला ख़राब हो रहा होता है बल्कि ही और शी वुड हैव अ प्रॉब्लम इन ब्रीदिंग एज वेल। अमूमन टॉन्सिल्स क्वालिटी ऑफ लाइफ को बिल्कुल ख़राब कर देते हैं। जब बार बार गला ख़राब होगा उस बंदे का ध्यान अपने रोज़मर्रा के काम से हटना शुरू हो जाएगा। ही वुड बी मोर वारेड अबाउट हिज डेफिनेट हेल्थ। और बच्चों में जब अमूमन ये टॉन्सिलाइटिस की इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वो छोटा बच्चा या बड़ा बच्चा दे वुड स्टॉप ईटिंग। जब वो खाना पीना अपना छोड़ देगा दे वुड गेट मेल नरिश, वज़न की कमी की सूरत में, मेल नरिशमेंट की सूरत में, ऑन एंड ऑफ नज़ले ज़ुकाम की सूरत में बीमारियाँ आया होना शुरू हो जाती हैं। नंबर टू, जब गला बार बार ख़राब होता है टॉन्सिल्स का साइज़ इतना बड़ा हो जाता है कि वो छोटा बच्चा ही इज़ अनेबल टू लाई। जैसे ही उसे लिटाया जाता है मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स दे कम अप विद अ कंप्लेंट कि जी बच्चा बेचैन है, ही इज़ चेंजिंग हिज पोस्चर, घबरा के उठ जाता है कि उसे सांस नहीं आ रहा एंड देयर इज़ डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। नाउ ऑल दैट डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग इज़ बिकॉज ऑफ द बिग साइज ऑफ द टॉन्सिल्स, टॉन्सिल्स के बड़े होने की वजह से। नंबर टू, इसी तरीके से एक लिम्फोइड टिशू होता है जिसे हमारी ENT के ज़ुबान में हम एडेनॉइड्स कहते हैं। अमूमन ये नाक के पीछे वो हदूद होते हैं जो 13-14 साल तक रहते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं। यही तसव्वुर टॉन्सिल्स के बारे में भी है कि टॉन्सिल्स वो गले के हदूद हैं जो नॉर्मली यंगर एज ग्रुप जो बच्चे 10 साल से छोटे हैं या 13 साल के हैं उनमें तंग करता है,
लेकिन as the child grows up, जब 13 या 15 साल से बड़ा होना शुरू हो जाते हैं तो ये tonsils खुद भी गायब होना शुरू हो जाते हैं। नंबर टू, वो जो नाक और गले के पीछे जगह है वो उसका साइज भी बढ़ जाता है, तो recurrent adenoids की infection और recurrent tonsils की infection काफ़ी हद तक कम हो जाती है। हमारा मकसद उन पेरेंट्स की आगाही है ताकि वो अगर उनका बच्चा इस नज़ले ज़ुकाम या गले ख़राब की कंडीशन में है तो उनको फौरी तौर पे लेके आएं, उनकी स्क्रीनिंग कराएं, उनका बर वक्त इलाज कराएं, रादर देन उनके ये टॉन्सल्स इतने बड़े हो जाएं कि टॉन्सल्स फिर उनको तंग करें, सांस लेने में दुश्वारी पैदा करें या बच्चे की सेहत की सूरत में फिर उन्हें किसी ना किसी का कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। सो नेज़ल एलर्जीज़ और क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस का आपस में काफ़ी क्लोज रिलेशन है। अक्सर छोटे बच्चे विद रिकरेंट एडिनो टॉन्सिलाइटिस, जिनके एडिनोइड्स और टॉन्सिल्स ख़राब होते हैं, उनका एक परसिस्टेंट क्लेम या सिम्टम होता है कि उन्हें कुव्वत समात में भी प्रॉब्लम आ रही होती है। सो जब आपके गला या नाक ख़राब होगा तो नाक और गले के हदूद की सोजिश की वजह से कानों पर दबाव आता है, और अमूमन ये वही बच्चे होते हैं जिनको सुनने में प्रॉब्लम आ रही होती है। मोस्ट ऑफ़ द चिल्ड्रेन आइदर दे गेट अ कंप्लेंट फ्राम द स्कूल्स और कॉलेजेस रिगार्डिंग देयर हियरिंग। उन्हें स्कूल या कॉलेज से ये इतला दी जाती है कि जी बच्चा ध्यान नहीं देता, सुनता कम है, या पेरेंट्स दे देम सेल्फ, उन्हें खुद ये इस बात की इल्म होता है कि अब वो बच्चे से ऊंची आवाज़ में बात कर रहे हैं, बच्चा टीवी के सामने बैठता है तो बहुत लाउड वॉल्यूम या ऊंचा वॉल्यूम लगा के बैठा होता है, एंड ही कंप्लेंस कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा। उसकी वजह ये रिकरेंट सो थ्रोट है, जिसकी वजह से कान के पर्दे के पीछे पानी जमा होना शुरू हो जाता है, एंड इन अ लॉन्गर रन दिस कैन एंड अप विद अ परमानेंट हियरिंग लॉस। सो हमारा मकसद इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए ये है कि नाक और गले की रिकरेंट इन्फेक्शन से कान के पर्दों के पीछे ज़रूर दबाव पड़ता है, और ये दबाव इन द फॉर्म ऑफ हियरिंग लॉस, कुव्वत समात की कमी की सूरत में भी आया होता है। सो वो बच्चे जिनकी समात में कमी है या जिनके पेरेंट्स ये महसूस करते हैं कि उन्हें ऊंचा सुनाई दे रहा है, आई वुड रिक्वेस्ट ऑल दोस पेरेंट्स अपने बच्चों की एक प्रॉपर ENT वैल्यूएशन कराएं। आप मेरी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स थ्रू द प्लेटफॉर्म ऑफ ऑलेडॉक भी अप्लाई कर सकते हैं, एंड आई एम देयर टू हेल्प यू आउट इन एनी ऑफ द डिजीजेस ऑफ एयर, नोज एंड थ्रोट। थैंक यू। अब पाकिस्तान के हजारों डॉक्टर से वीडियो कंसल्टेशन के जरिए इलाज करवाएं, तो अभी ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी सेहत का ख्याल रखें। ओला डॉक, मुश्किल वक्त में आपके साथ।